फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को दाल का जो गुलगुला है वो बना के दिखाऊंगी। तो पहले इसमें मैं एक कप जो दाल का बैटर है उसका पल्प है उसको इसमें डाली हूँ। उसके बाद चावल का आटा यहाँ पे 3 कप और थोड़ा सा मैं जो गेहूं का आटा है उसको 1 कप यहाँ पे ऐड की हूँ और थोड़ा सा स्वाद अनुसार नमक और इसमें मैं हल्का सा चीनी, थोड़ा हल्का मिठास के लिए चीनी ऐड की हूँ और उसके बाद इस तरह से मैं बैटर बनाई हूँ। तो अभी चलिए इसको गोल गोल करके इसको फ्राई करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं तेल गरम करने रख दी हूँ और इसमें अभी गोल गोल करके डालेंगे। और ये तेल देख सकते हैं थोड़ा सा ये जैसे लग रहा है क्योंकि इसमें मैं पहले पीठा फ्राई कर चुकी हूँ, इसीलिए ये थोड़ा ऐसे लग रहा है आप लोग को। तो इस तरह से गोल गोल डालते जाएंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट बनता है, बहुत स्वादिष्ट लगता है। अभी तो आप लोग को पता है अभी तड़पक रहा है, तो आप लोग भी घर में लेके आइए और इस तरह से गरम गरम बना के खाइए, बहुत ही स्वादिष्ट लगता है, सॉफ्ट लगता है, सॉफ्ट बनता है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये एक साइड कुक हो गया है, इस तरह से दूसरे साइड को पलट लेते हैं और दोनों साइड अच्छे से गोल्डन कलर आने तक कुक करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों साइड अच्छे से कुक हो गया है, इसको निकाल लेते हैं प्लेट में। देखिए यहाँ पे मैं इतना सारा बन के रेडी कर ली हूँ, बहुत ही सॉफ्ट बना है, देख सकते हैं कलर भी बहुत प्यारा सा कलर आया है। देखिए कितना गोल गोल बन के रेडी हो गया है। आप लोग भी घर में बनाइए और खाइए गरम गरम, बारिश का मौसम में बहुत ही टेस्ट लगता है। आप चाहे तो खाली चावल का आटा दे के भी बना सकते हैं, मैं इसमें थोड़ा सा ही आटा मिलाई हूँ, गेहूँ का आटा। और आप चाहे तो खाली चावल का आटा से ही बना सकते हैं, नहीं तो खाली गेहूँ का आटा से भी बना सकते हैं या मैदा से भी बना सकते हैं, जो भी डाले इसमें बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। तो देखिए बहुत ही गर्म है अभी, तो आशा करती हूँ आज का ये जो दाल का बड़ा रेसिपी आप लोग को पसंद आया होगा। आप लोग घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट कीजिए इसका स्वाद आप लोग को कैसे लगा।